वजह तो दो, मैं अभी कपड़ा बेच रहा हूँ, मैं बोलता हूँ मैं रेट दे रहा हूँ, वजह दे दी। मैं क्वालिटी दे रहा हूँ, वजह दे दी। मेरे से सस्ता कोई नहीं दे रहा है, मैंने वजह दे दी, कारण दे दी, रीजन दे दिया। दोस्तों, इस हिंदुस्तान में कोई भी काम कर लो, अगर ये काम का कारण आपके पास है तो आप सक्सेस हो। हिंदी में बोले तो वजह, इंग्लिश में बोले तो रीजन, कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो क्यों बना रहा हूँ। आज भी बाबा रामदेव का समान मत लो, ऐसा लगता है देशद्रोही हो। उसने देश का इमोशनल कार्ड खेला, वजह दे रहा है। सक्सेस की गारंटी मैं दे रहा हूँ। हिंदुस्तान में 30% लोग ऐसे हैं जो दुकान करके बैठे हैं। कि आपको बेचनी है, इसका कारण पता होना चाहिए, मैं क्यों बेचनी है। भाई साहब, मैगी सुनी क्या? मैगी बिकती है क्या? कारण होना चाहिए भैया कि मैं YouTube पे हूँ तो क्यों हूँ। अगर आप कपड़ा बेच रहे हो तो वाकई में बाजार से सस्ता क्यों बेच रहे हो, कारण तो दोगे ना। आप ऐसे ही बोल दो मैं बाजार से, मैं आज सोशल मीडिया पे बोलता हूँ मैं सस्ता दे रहा हूँ, उसका कारण देता हूँ भैया कि अगर ये जगह, ये 40,000 स्क्वायर फीट में अगर रिंग रोड पे जगह लूँ तो मुझे 30 लाख रुपए भाड़ा भरना पड़े महीने का। कितना? दोस्तों, बड़ा बनना है, कपड़े की दुकान करनी है, कपड़ा कैसे बेचना है पता है? आज ये वीडियो आपके लिए बन रहा है। दोस्तों, इस हिंदुस्तान में कोई भी काम कर लो, अगर ये काम का कारण आपके पास है तो आप सक्सेस हो। हिंदी में बोले तो वजह, इंग्लिश में बोले तो रीजन, कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो क्यों बना रहा हूँ, इसका कारण क्या है। अगर मुझे दुकान करनी है तो क्यों करनी है, इसका कारण क्या है, मैं क्या करूँगा। दोस्तों, अगर आपके पास वजह है या रीजन है, सक्सेस की गारंटी मैं दे रहा हूँ। हिंदुस्तान में 30% लोग ऐसे हैं जो दुकान करके बैठे हैं, उनके पास वजह नहीं है माल बेचने की, कि मैं माल क्यों बेच रहा हूँ। हर एक को पूछेंगे तो बोलेंगे भाई साहब बच्चे पालने हैं। अरे बच्चे पालने के लिए थोड़े ना, मुझे ये चीज़ आपको बेचनी है, इसका कारण पता होना चाहिए, मैं क्यों बेचनी है। भाई साहब, मैगी सुनी क्या? मैगी बिकती है क्या? कारण बिकता है। 2 मिनट थर्ड, 2 मिनट बिका भैया। आज भी बाबा रामदेव का समान मत लो, ऐसा लगता है देशद्रोही हो। उसने देश का इमोशनल कार्ड खेला, वजह दे रहा है। एक बोल रहा है बंदा कि मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, वो भी कारण दे रहा है। तो हर बंदा कुछ ना कुछ दे रहा है कारण। आज इस वीडियो से आप ये सीख सकते हो। दोस्तों, मेरे पास अभी 2 दिन पहले एक लेडीज कस्टमर बैठे थे, हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे। उन्होंने बोला, अजीत भाई, हम 2 साल से सूरत मंडी से कपड़ा ले जा रहे हैं और हम घर पर बेचते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, ना सेल हो रही है ना और कुछ हो रहा है, जितना सोचा वैसा रिजल्ट नहीं है। मैंने कहा कारण? बोले कारण तो पता नहीं। मैंने कहा आप कपड़ा बेचते हो तो क्या बोलते हो, कपड़ा ऐसे थोड़े बिकता है, आप वजह तो दो। मैं अभी कपड़ा बेच रहा हूँ, मैं बोलता हूँ मैं रेट दे रहा हूँ, वजह दे दी। मैं क्वालिटी दे रहा हूँ, वजह दे दी। मेरे से सस्ता कोई नहीं दे रहा है, मैंने वजह दे दी, कारण दे दी, रीजन दे दिया। बोले भैया ऐसा तो सोचा ही नहीं। फिर मैंने उन्हें एक उदाहरण दिया, मैंने कहा आप घर पर बेचते हो, 2 साल से बेच रहे हो और आज पहली बार मेरे पास आए हो, लेकिन 2 साल से सूरत मंडी से ले जा रहे हो। बड़ी डिस्कस चली हमारी उनकी। मैंने कहा जब ग्राहक आपके घर पे आता है तो आप उसे कैसे बिलीव करवाओगे कि मैं आपको सस्ता दे रही हूँ। बोले अजीत भाई ऐसे ही जो बताते हैं भैया है। तो मैंने उन्हें एक बताया एक पॉइंट, मैंने कहा जब भी अगली बार आपके पास लेडीज ग्राहक आवे ना, उसे आप ज़रूर बोलिए कि आप यही साड़ी बाजार लेने जाते हो तो वहाँ आपको 1,000 रुपये में मिलेगी, मैं आपको 700 रुपये में दे रही हूँ। उसका कारण कि बाजार में 50,000 दुकान का भाड़ा है, ऐसी चल रही है, 2 स्टाफ रख रखे हैं, तो खर्चा किस पे चढ़ेगा? साड़ी पे। मेरे तो यहाँ कमरे में आप गए तो लाइट भी मैंने बंद कर दी, बिजली का बिल भी नहीं आएगा, तो आपने क्या दी? वजह। भैया वजह समझ में बैठती है, कारण समझ में लोगों के बैठता है। जब तक आपको चीज़ का कारण, वजह, रीजन नहीं दोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। भैया रीजन दो तो सही। उस लेडीज ग्राहक ने बोला, अजीत भाई ये तो वाकई में चमत्कारिक बात है, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। तो मैंने कहा मैंने तो आपको 1 बजे बताई, ऐसी 50 बजे हो सकती है। दोस्तों, इस सृष्टि का नियम है कि आपके पास वजह नहीं है तो आप कुछ भी नहीं करोगे। वजह होगी तो लोग समझेंगे, आपकी भावनाएं समझेंगे। ऐसे 50 उदाहरण हो सकते हैं कपड़ा बेचने का। एक लेडीज ग्राहक बैठी है, आपके काउंटर पर आई है, उसे जो कुर्ती लेनी है वो कलर आपके पास नहीं है, आपके पास दूसरा कलर है, उसे वजह रीजन बोल के उसे चेंजिंग रूम में भेजो तो सही एक बार। भले वो येलो कलर सोच के ही है, आपके पास आसमानी है या रेड है, आपके पास डिजाइन चेंज है, एक कारण बता के उसे चेंजिंग रूम भेजो तो सही, जैसे ही चेंज करके आएगी।
वजह बन जाएगी। वजह कौन बनाएगा? वो मिरर होता ना, वो मिरर वजह बना देता है। लेकिन अंदर भेजने का कारण तो आपके पास होना चाहिए ना। उसे क्या समझा सकते हो तो वो येलो नहीं ले, रेड एक बार पहन के ट्राई करें। कारण होना चाहिए भैया कि मैं यूट्यूब पे हूँ तो क्यों हूँ। अगर आप कपड़ा बेच रहे हो तो वाकई में बाजार से सस्ता क्यों बेच रहे हो, कारण तो दोगे ना। आप ऐसे ही बोल दो मैं बाजार से, मैं आज सोशल मीडिया पे बोलता हूँ मैं सस्ता दे रहा हूँ, उसका कारण देता हूँ भैया कि अगर ये जगह ये 40,000 स्क्वायर फीट में अगर रिंग रोड पे जगह लूँ तो मुझे 30 लाख रुपये भाड़ा भरना पड़े महीने का। कितना? मैं थोड़ा आउटर बैठा हूँ भैया, 4 लाख रुपये खर्चे में बैठा हूँ तो मैं 26 लाख रुपये महीने के बचा रहा हूँ। मैंने कारण दिया है, सोशल मीडिया पे दिया है। अगर 26 लाख रुपए महीने का बचता है तो वो ग्राहकों को भी बेनिफिट होगा ना भैया। मुझे 50 वाली लेगिंग्स 55 बेचने की जरूरत नहीं है, गांव बेच रहा है बेचने दो ना। कारण दोस्तों, ये सब्जेक्ट ऐसा है, आप हिंदुस्तान में कोई भी काम कर रहे हो, आपके जो कस्टमर हैं उन्हें कारण दीजिए, एक रीज़न दीजिए कि मैं क्यों बेटर हूँ। अगर आपने ये दे लिया तो आपको मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ बोलता हूँ, आपकी सक्सेस की गारंटी अजीत जोन दे रहा है। सोचिएगा जरूर इस कारण पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग सब्जेक्ट के साथ। प्रणाम।